नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम को लेकर। बिहार के अधिकांश इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया है। इससे लोग सुबह 10 बजे के बाद से ही घर से निकलना दुश्वार समझते हैं, यानी कि निकलने से कतराते हैं। बिहार में गर्मी का आलम यह है कि बक्सर में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मध्य एवं दक्षिण बिहार के लोगों को खासकर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बिहार में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। उत्तर बिहार में आंधी पानी से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 12 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो सकता है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज होने का पूर्वानुमान जताया है, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आम तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरी तरीके से सक्रिय होने की बात प्रदेश में बारिश होने की तापमान से गिरावट आने की आशंका जताई है। यानी कि अगर बारिश भी होती है तो इससे तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों बक्सर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया था। वहीं प्रदेश की राजधानी पटना में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसी कारण लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ा। दोपहर की तो स्थिति ये थी कि लोग घर से बाहर निकलने से जो है अपने कदम नहीं निकालना चाह रहे थे। दूसरी तरफ सोमवार की सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में तेज़ ठंड वाली हवाएं चलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अगर हम देखें तो राज्य के उत्तरी भागों में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। इन मौसमी कारण के प्रभाव से राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं अगर हम रविवार की बात कर लें तो रविवार की देर रात और सोमवार की सुबह से सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मधेपुरा, समस्तीपुर और कटिहार में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि राजधानी पटना समेत दक्षिण के अन्य जिलों में हवा की रफ्तार तेज होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 12 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि मानसून सक्रिय होने के साथ साथ बिहार में लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है सक्रियता देखी गई है। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश हुई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लोगों को गर्मी से बिहार में भी 12 जून के बाद निजात मिल सकती है, क्योंकि बिहार में 12 जून को मानसून सक्रिय होने की बात कही गई है। झारखंड के रास्ते बिहार में मानसून की सक्रियता देखी जाएगी और इसकी पहली बौछार जो है पूर्णिया में होने की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।